A very good morning to all of you. Today we will learn about bedtime stories. Who are they? ये सब कौन है? Fill the correct number from the list of the names. उनको क्या करना है? Correct number लिखना है या correct alphabet लिखना है name को fill करने के लिए. So first one, look at the first picture. First picture में कौन सी story लगती है आपको? कौन सी story का character है? ये है पिनोकियो. ओके, स्टोरी का नाम है पिनोकियो. सेकेंड वन इज, सेकेंड में क्या है? फ्रॉग है ना, उसने क्राउन पहना हुआ है, तो प्रिंस टाइप का लग रहा है ना ये, तो इसका क्या होगा? फ्रॉग प्रिंस. इसमें लिखेंगे हम एच. अब थर्ड वन में देखो क्या हो रहा है. थर्ड वन की पिक्चर क्या कैसी लगती है? एक हुड, रेड राइडिंग हुड. इस स्टोरी का नाम है रेड राइडिंग हुड. तो यहाँ क्या लिखेंगे? बी. अब फोर्थ पिक्चर पे देखो, गर्ल विद अ लॉन्ग हेयर, जिसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं. तो फोर्थ वन का स्टोरी का नाम क्या है? Rapunzel. Okay. Now come to the fifth one. Fifth, ये mermaid लग रही है ना picture में, आधी इंसान आधी fish, उसको mermaid बोलते हैं. तो fifth वाले का क्या आएगा? E, little mermaid. अब come to the sixth one. Sixth one में गंदा सा एक wolf लग रहा है ना, जो गंदे काम कर रहा है, तो इसका क्या है? J, big bad वॉल्फ. सो सेवेंथ वन, सेवेंथ में बहुत सारे बियर्स दिख रहे हैं ना, तो इसका क्या है? जी. स्टोरी का नाम है गोल्डी लॉक्स एंड बियर्स. ओके, कम टू द एट्थ वन. एट्थ वन में तो सिंड्रेला है, तो बहुत लोगों ने देखी होगी. तो सिंड्रेला है तो फिर इसका है आई, सिंड्रेला. नाइन्थ वन, नाइन्थ है, नाइन्थ में एक फ्लावर है जो स्टोरी में क्या था, एक ना गर्ल होती है, उसकी मम्मी उसको बोलती है कि ना आप ना इस पौधे को ना ये बीज ले जाना और इस पौधे को उगाना है आपको. तो रात को ना पौधा उगाती है और फिर वहाँ से ना एक प्लांट निकल के आ जाता है, पौधा निकल के आ जाता है, लीव्स, तो उसमें से एक फ्लावर आता है. वो फ्लावर को बंद होता है, वो फ्लावर बर्ड होता है, उसको टच करती है तो वो खुल जाता है और उसमें से छोटी सी बच्ची निकलती है. तो उस लड़की ने ना उस इस छोटी सी बच्ची है ना फ्लावर के अंदर, उसका नाम लिखा है, रखा था थंबलीना. ओके, अब कम टू द टेंथ वन, जिसमें वन बॉय है वन गर्ल है. तो इस स्टोरी का नाम क्या था? हेंजल एंड ग्रीटेल. ओके, अब आप ये सब अपनी बुक में उतारिए, समझिए और स्टोरी भी पढ़िए इनकी सब. ओके, और ये लिख के भेजिए जीके होमवर्क.